आज की इस क्लास में हम वेब डिज़ाइनिंग सीखेंगे। वेब डिज़ाइनिंग का सबसे पहला वेब डिज़ाइनिंग हम सबसे पहले नोटपैड पे स्टार्ट करेंगे, जो सबसे बेसिक है आपका। आपने नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड आपने कैसे ओपन करना है? सिंपली ओपन करना है, विंडो प्लस आर में जाना है और नोटपैड टाइप कर लोगे यहाँ पे। एन ओ, ये नोटपैड आ रहा है, नोटपैड टाइप कर दोगे, सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। ये वेब डिज़ाइनिंग की सबसे फर्स्ट क्लास है। वेब डिज़ाइनिंग कैसे होती है आज हम वो सीखेंगे, ये फर्स्ट क्लास कैसे स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग का इंट्रोडक्शन दूंगा, जो बेसिक है। इसके बिना वेब डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती। सबसे पहले आपको ये सीखना होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमने कुछ टैग्स पे काम करते हैं। टैग सबसे पहले होता है हमारा टैग। टैग में ये दोनों जो कर्ली ब्रेसिस हैं, जो ब्रेसिस एक ब्रैकेट्स हैं, इन ब्रैकेट्स के अंदर टैग्स रखने हैं। दो तरह के टैग होते हैं हमारे पास, एक एम्प्टी और एक कंटेनिंग टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट HTML। HTML क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये इसका कोड है, ये इसका हेडर पार्ट है, मतलब इसके लिखना ही लिखना है आपने। इसके बिना आपका HTML शुरू नहीं हो सकता, तो वेब डिज़ाइनिंग नहीं स्टार्ट हो सकती। तो ये HTML मैंने लिख दिया है, आपको दिखाई दे इसलिए मैं इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। आपने करना क्या है, मैं फॉर्मेटिंग में जाता हूँ और फॉन्ट में प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे अगर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा तो इसके फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा कर लो। मैं इसके फ़ॉन्ट साइज़ को काफ़ी बड़ा रखता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। मैं 26 रख लेता हूँ ताकि आपको ये फॉन्ट्स दिखाई दे अच्छे से। अगर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा तो मैं और फॉन्ट बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे। ये देखो, ये आप तो दिखाई दे रहा आपको फॉन्ट। अब इसमें मैंने सबसे पहले टाइप कर दिया है HTML। HTML के बाद इसका टाइटल पोर्शन दिया है। टाइटल क्या होता है? टाइटल जो चीज़ आप टाइटल देना चाहते हो, जिस चीज़ का एक टाइटल है, किस पे क्या क्या काम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गूगल पेज बनाना चाहता हूँ, गूगल पेज है, तो इस टैग को मैं बंद कर रहा हूँ, तो ये टाइटल हो गया। आपने ध्यान रखना है स्लैश के थ्रू बंद करना है, और यही स्लैश होना चाहिए। दो स्लैश होते हैं आपके पास, ब्लैक स्लैश और राइट स्लैश, ठीक है, फ्रंट स्लैश और बैक स्लैश। तो आपने ये वाला ही स्लैश लगाना है, बैक स्लैश नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाइटल दे दिया, मैं काम क्या करना चाहता हूँ, ये टाइटल है आपका, ठीक है, ये आपका टाइटल है गूगल पेज। अब मैं इसके अंदर जो काम करूँगा वो क्या होगा, इसके ऊपर एक और चीज़ होती है हेड। हेड क्या है? हेड पार्ट है ये हेड। अब गूगल के अंदर जो हेड है मेरा, मैं ये गूगल स्टार्ट करता हूँ, मेरा जो पोर्शन है ऊपर का हेड, उसमें मैंने टाइटल दे दिया। मैं खोल के दिखा रहा हूँ आपको, ये हेड है आपका ऊपर का पोर्शन, ठीक है। इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, गूगल पेज, जिससे मेरा वो सर्च होगा। ये सर्च मेरा गूगल पेज से होगा, गूगल पेज है, ठीक है। अब मेरा ये हेड देने का काम, कि टाइटल जो होता है हेड के अंदर होता है, तो हेड मैं बंद कर देता हूँ, ये हेड देने का काम खत्म हो गया। हेड के अंदर मेरे टाइटल क्या आना चाहिए? गूगल पेज। अब ये जो पेज है, मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये सारा का सारा ऊपर से लेकर इसके नीचे का पोर्शन होता है क्या है, बॉडी। इसको बॉडी बोलते हैं। ये बॉडी क्या चीज़ है? अब बॉडी के अंदर कैसे डिज़ाइन होता है, मैंने एक बॉडी लिया, मैंने बॉडी टाइप करी और बॉडी बंद कर दी। सिंपली मैंने इसमें एक बॉडी लिखा, और बॉडी के अंदर मैं अब काम करना शुरू करूँगा। जो वर्क, जो सारा का सारा वर्क करना है, जो डिज़ाइनिंग करनी है, वो बॉडी के अंदर करना है आपने। तो मैंने बॉडी के अंदर क्या लिखा, एक पैराग्राफ लिखना चाहता हूँ मैं, सिंपल एक टेक्स्ट। पी होता है पैराग्राफ टैग। कोई भी टैग लगाना है आपने, कर्ली ब्रेसिस के अंदर लगाने हैं। मैंने लिखा यू आर गुड, एक टैग लिखा और इसको क्लोज कर दिया, पी को क्लोज कर दिया। क्लोज ऐसे ही करना है हमेशा। और इसके बाद मैंने क्या करा, एक बॉडी क्लोज कर दी, सिंपल। जो टैग आपने स्टार्ट करे होंगे ऊपर, वो सारे के सारे बंद करने होंगे। मैंने ये बॉडी का काम खत्म हो गया, ये बॉडी बंद कर दी। इसके बाद क्या करा मैंने, HTML बॉडी बंद कर दी। इसके बाद मैंने क्या बंद करना है, HTML बंद करना है। मैंने HTML क्या लिया, बंद कर दिया, और इसको सेव करेंगे। अभी देखते हैं जो इतना प्रोग्राम मैंने जो बनाया है, ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। देखो चलने के लिए क्या करना है, चलाने के लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो फाइल्स में जाना है आपने, इसे सेव करना है। वैसे कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट होती है, आप इस पर प्रेस करोगे और सेव एज करोगे, सेव करोगे। मैं इसको सेव कर लेता हूँ इस फाइल को, नॉर्मली डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर जाना है इस फाइल को मैंने गूगल पेज के नाम से, और सेव करते समय ध्यान रखना है आपने यहाँ पे डॉट HTML जरूर टाइप करना है, HTML।
अगर आप टाइप नहीं करोगे तो ये सेव नहीं होगा, और नॉर्मली मैंने इसको सेव कर दिया है। जब मैं इसे सेव कर दूंगा और इसे प्ले करके देखूंगा, प्ले कैसे होगा, पहले तो आपने इसे मिनिमाइज करना है, आपने मिनिमाइज करने के बाद वो फाइल आपकी यहाँ पे आ जाएगी, और इसको राइट क्लिक करके ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोर प्ले करना है। जैसे आप इंटरनेट एक्सप्लोर ब्राउजर है, गूगल क्रोम वगैरह पे भी प्ले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि इस पे ही प्ले करना है, यू आर गुड। जिस भी ब्राउजर पे आपके पास जो भी ब्राउजर अवेलेबल है वो उस पे कर सकते हो। ये आ गया ब्राउजर आपके पास, जैसे ही ओपन विद करोगे यहाँ पे, ये तीन चार ब्राउजर हैं, आप किसी पे भी प्ले कर सकते हो। मैं गूगल क्रोम पे प्रेस करता हूँ तो गूगल क्रोम आ जाता है। अगर आपके पास इंटरनेट गूगल क्रोम नहीं है तो आप इंटरनेट एक्सप्लोर पे भी कर सकते हो, ठीक है। ये यू आर गुड लिखा हुआ आ गया यहाँ पे, बॉडी के अंदर काम हुआ। अब मैं वापसी नोट पैड खोल रहा हूँ, नोट पैड के अंदर जाता हूँ। नोट पैड में क्या क्या करना है, मैं चाहता हूँ जो मेरा पेज है, जो गूगल का पेज है, ये इसका बैकग्राउंड पेज, ये पूरा का पूरा वर्किंग एरिया ये वाला, ये क्या करे, ये जो पूरा बैकग्राउंड है किसी कलर में आ जाए। तो कलर में करने के लिए मैं तो इसकी बॉडी के अंदर ही, बॉडी के अंदर आपने लिखना है बीजी, बीजी कलर, कलर की स्पेलिंग आपने ये लिखनी है, बीजी कलर इक्वल टू रेड, मैंने रेड कलर करा, और कंट्रोल एस से सेव करना है, या फिर फाइल में जाके आप इसे सेव कर सकते हो। जैसे आपने सेव करा है और गूगल क्रोम पे जाना है दोबारा दूसरे ब्राउजर पे जिस पे आपने प्ले कर रखा है, या तो आप F5 दबा दो रिफ्रेश कमांड, या फिर आप इस पे प्रेस कर दो। देखो ये पूरा बैकग्राउंड रेड हो गया है, ठीक है। इसी के साथ में एक और टैग समझाना चाह रहा हूँ आपको। ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई, बॉडी की, पूरा बैकग्राउंड रेड हो गया। इसी के नीचे एक कमांड और समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह, फॉन्ट, इसके फॉन्ट के स्टाइल। अगर मुझे इस फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है, मैंने आपको दिखा देता हूँ टैग में पहले कि फॉन्ट बहुत छोटा लिखा हुआ है, इसके साइज को इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने के लिए क्या करूँ, फॉन्ट एक टैग लगाया, ये इस वर्ड पे अप्लाई होगा, फॉन्ट साइज इक्वल टू 7, मैक्सिमम साइज इसका 7 होता है, 1 to 7, और इसे सेव कर लेंगे कंट्रोल एस से, या फिर फाइल में जाके एस प्रेस कर लेंगे, ये सेव हो जाएगा। और मैं दोबारा ब्राउजर पे जाऊंगा जहाँ पे प्ले हो रखा है, और मैं इस पे F5 करूंगा या रिफ्रेश इस वाले कमांड पे प्रेस करूंगा, तो इसके साइज ये इंक्रीज हो जाएगा, करेक्ट। दोबारा जाते हैं नोट पैड पे, अब फॉन्ट साइज 7 हो गया है। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है फॉन्ट का, तो आप यहाँ पे कलर का टैग लगा लोगे आराम से, और कलर जो होना चाहिए ब्लू, और इसे मैंने सेव कर दिया, कंट्रोल एस दबा दोगे, दबाना ज़रूर तभी रिफ्रेश होगा। और जैसे ही मैं रिफ्रेश पे जाता हूँ यहाँ पे और रिफ्रेश करता हूँ, ये ब्लू हो जाएगा, करेक्ट। दोबारा मैं जाता हूँ, छोटी छोटी कमांड्स बता रहा हूँ जो बेसिक्स हैं, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है वेब डिज़ाइनिंग के लिए, ये पता होना चाहिए आपको। कलर्स, इसके बाद मेरे को फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है। स्टाइल क्या होता है, फॉन्ट स्टाइल, उसे बोलते हैं फेस, बोलते हैं क्या बोलते हैं, फेस, फेस इन्वर्टेड कॉमा में रखना है आपने यहाँ पे। अब फेस कहाँ कहाँ होते हैं, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, देखो फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट के अंदर गया, फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर गया, ये सारे के सारे फॉन्ट फेसेस हैं। अब देखो ये सारे के सारे स्टाइल हैं, आप इन स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया स्टाइल्स हैं, आप कुछ भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने ये स्टाइल है ना क्लिक करके इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी, और इसे क्लोज कर दिया। ओके नहीं करना वरना यही चेंज हो जाएगा सारा का सारा आपका। आपने क्या करना है, इसे चेंज करके यहाँ पर क्लिक करोगे और कंट्रोल वी से पेस्ट कर दोगे, ये आपका फॉन्ट पेस्ट हो गया। और कंट्रोल एस से सेव जरूर कर लेना इसको, अगर आप सेव नहीं करोगे तो यहाँ पे प्ले नहीं होगा। और इसे जाके रिफ्रेश करके देखते हैं हम कि हमारा चेंज हुआ या नहीं चेंज हुआ। देखो फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया, ये ब्लू कलर से लिखा हुआ आ गया, और इसका स्टाइल भी चेंज हो गया। सेम अगर इसमें मुझे और कुछ कमांड्स करनी है इस वर्ड्स के ऊपर, मैंने क्या किया, पैराग्राफ के अंदर इसको बोल्ड करना है थोड़ा सा, तो बी टैग होता है, आपने MS वर्ड कर रखे होंगे, बी का मतलब होता है बोल्ड करना, कंट्रोल बी से हो जाता है। सेव करोगे और इस टैग को बंद भी करना है आपने एंड में आके, सिंपली आपने क्या करना है, इस टैग को इस स्लैश से बी से बंद कर देना है, और सेव करोगे और नेक्स्ट ब्राउजर पे आओगे और F5 से रिफ्रेश करके देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका बोल्ड हो जाएगा टैग। देखो थोड़ा मोटा हो गया पहले के अकॉर्डिंग, ऐसे ही है। इसमें इटैलिक, अगर इसमें इटैलिक है या अंडरलाइन करना है तो मैं यू लगा दूंगा, सिंपल, बड़ा इजी है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, सीखने में बहुत मज़ा आता है इसको। अगर मैं अंडरलाइन लगाता हूँ तो ये अंडरलाइन हो जाएगा, और इसे बंद जरूर करना है आपने। जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा और रिफ्रेश करूँगा,
ये देखो इसके नीचे अंडरलाइन आ गई, ठीक है। ऐसे ही आना है आपने अंडरलाइन, इटैलिक, ये सब स्मॉल कर सकते हो, ठीक है। ये है इसका बेसिक, आपने इसका बेसिक करना है। इसमें देख लो HTML टैग, जो टैग स्टार्ट हो रहे हैं वो टैग बंद भी हो रहे हैं। साइज है ये, कलर की स्पेलिंग यही रहनी चाहिए, फेस है मेरा, और ये इसका बेसिक पहला। फर्स्ट क्लास थी हमारी, फर्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे की क्लास के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आगे की वीडियोस देखनी है।